हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल भाई? बढ़िया एकदम, मस्त मजे में, किसी भी प्रकार की किसी को दिक्कत? चलो आ जाओ, अभी तो सब सोए रहते हैं, 5 मिनट बाद आते हैं सब। आज मौसम बहुत ही अच्छा है, आज धूप बिल्कुल नहीं है, एकदम प्यारा मौसम है आज। बस बारिश हो जाए, थोड़ा ठंडक आ जाए, फिर पढ़ने और पढ़ाने में भी मजा आए, बस लाइट ना कटे, पता चला इंटरनेट ही चला गया। ठीक है, चलो सारे बच्चे आ रहे हैं भाई, 4 बज चुका है, टाइम से आ जाया करो भाई। 3 ही क्लास तो चलती है तुम लोगों की, 3 क्लास भी नहीं कर पाते हो तुम लोग। चलो, सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th एंड NTSC चैनल। दिस इज किशन जायसवाल। उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चे एकदम स्वस्थ हैं, एकदम बढ़िया हैं, किसी भी प्रकार की उनको कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को कोई दिक्कत है फोन कर लिया करो, समझ लिया करो, पढ़ लिया करो। ठीक है, चलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग NTSC के आरंभ बैच में जो हम लोग काफी दिनों से चला रहे हैं उसमें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल्स का सेकंड लेक्चर। जिस बच्चे ने कल ट्रायंगल्स का फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है उसको देखना चाहिए, क्योंकि कल हम लोगों ने एकदम बेसिक बेसिक बात की थी और वो आपको जानना जरूरी है। प्यारे बच्चों, 46 नंबर ये लेक्चर होने वाला है हमारा, बहुत ही जल्द हम इसमें भी 50 लगाने वाले हैं। अगर आप लोग साथ देते रहे तो जरूर लगा लेंगे। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, आज हम बहुत ही जम के कॉन्ग्रुएंसी पर क्वेश्चन करने वाले हैं और इसको समझने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो। अच्छा, जो भी बच्चे नए हैं यहाँ पर, उनका पहला काम क्या है भाई? रैंकर्स NTSC का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। ठीक है, रैंकर्स NTSC का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, और वो उन्हें कहाँ मिलेगा? वो उन्हें भाई टेलीग्राम पे मिलेगा। और कहाँ मिलेगा? इसमें आपको DPP क्लासेस की इंफॉर्मेशन, डेली शेड्यूल, डेली आज हम कौन कौन सी क्लासेस, कौन कौन सी वीडियोस आने वाली हैं उसका शेड्यूल, साथ ही साथ रात को आपका शेड्यूल कि भाई आपने काम किया या नहीं, कि हमने, हम लोग बातें करते हैं, बहुत सारी चीजें आपको कहाँ मिलती हैं? रैंकर्स NTSC, इट गिव्स यू टू कनेक्ट विद मी पर्सनली। ठीक है, इट्स अ वेरी गुड थिंग, जिससे आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट हो पाते हो। प्यारे बच्चों, क्लासेस की बात बता दूं तो 4 बजे आपकी मैथ्स की क्लास चलती है, 6:30 बजे साइंस की क्लास चलती है, और 7:30 बजे रीजनिंग की क्लास चलती है। ये दिन की पहली क्लास है, ये दूसरी क्लास है, और ये तीसरी क्लास है जो NTSC ओरिएंटेड चलाई जाती है। आपकी क्लासेस मंडे टू फ्राइडे चलती हैं। आज बृहस्पतिवार है, कल और फ्राइडे चलेगा, फिर सैटरडे और संडे आपके लिए रखा जाएगा ऑफ, ताकि आप अपने बैकलॉग, रिवीजन, ये सारी चीजें कर ले बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है प्यारे बच्चों, बिल्कुल भैया। NTSC के बारे में कुछ जानना है तुम्हें, कोई दिक्कत आ रही है, NTSC की डिटेल प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, उसके अलावा साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, मैथ्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और रीजनिंग की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जो कि आपके लिए काफी हेल्प करने वाली है प्रीवियस क्लासेस को कवर करने के लिए। इसके अलावा बेसिक मैथ्स की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जो कि आपको हेल्प करने वाली है। प्यारे बच्चों, जो भी बच्चे NTSC के एग्जाम को लेकर एकदम सीरियस हैं, उन्हें पता है कि उन्हें NTSC एग्जाम अच्छे से देना है, उसमें उन्हें अच्छा करना है, तो उन सभी बच्चों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप NTSC आरंभ टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अपने पेरेंट्स से बात कर लीजिए कि पापा, भैया बता रहे थे कि ऐसा ऐसा टेस्ट सीरीज है जिसके लिए भैया सिर्फ 300 रुपये ले रहे हैं, जो कि 1 महीने की कोचिंग के फीस का हमारा आधा होता है उतना, जिसमें भैया हमें क्या करा रहे हैं, हमें 7 पार्ट टेस्ट, 7 फुल टेस्ट, NTSC Stage 1 ओरिएंटेड, पर्सनल मेंटरशिप, साथ ही साथ जूम मीटिंग वगैरह ये सब होती रहेगी। उनको बता देना पापा को कि फ्री क्लासेस चलाते हैं, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, डाउट वगैरह भी क्लियर करते हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो पापा, मैं 300 रुपये का भैया का ये टेस्ट सीरीज ले लूँ, मैं थोड़ा सीरियस तरीके से अपनी पढ़ाई करना चाहता हूँ। अगर आप भी सीरियस हैं तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जरूर ले लीजिए। 1 तारीख से पेड़ वाले में फ्री वालों को नहीं मिलेगी एंट्री। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे सारे बच्चे, ऐप कहाँ मिलेगा? रैंकर्स लाइव ऐप पर। ठीक है, तो जितना जल्दी ज्वाइन कर लो 1 अगस्त से पहले, अदरवाइज उसके बाद फीस मैं पहले ही बता दे रहा हूँ 399 रुपये हो जाएगा। फिर मुझे मत कहना कि भैया 100 रुपये बढ़ा दिया आपने। ठीक है, ये बात क्लियर करके अभी से चल रहा हूँ मैं। प्यारे बच्चों, अगर आप नए हो, बिल्कुल नए हो, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विदाउट कमिटमेंट यू विल नेवर स्टार्ट, विदाउट कंसिस्टेंसी यू कांट फिनिश एनीथिंग। कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा आप चीजों को फिनिश करने के लिए, साथ ही साथ सेल्फ डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस जर्नी। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया मैंने कल आपको दिया था,
कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? दो फिगर हैविंग सेम शेप एंड सेम साइज, जैसे अब सबका ध्यान स्क्रीन पर, अब सबका ध्यान पढ़ाई पर, मैंने एक लाइन ये बनाया, मैंने एक लाइन ये बनाया, इस लाइन की लेंथ लिख दी 4.8 सेंटीमीटर और इस लाइन की लेंथ लिख दी 4.82 सेंटीमीटर। अब मैं आपसे पूछूंगा क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है? तुम कहोगे बिल्कुल नहीं भैया, ये इसलिए कॉन्ग्रुएंट नहीं है क्योंकि इसमें कोई कॉल, छोड़िए उनको। तो कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं है? क्योंकि सेम शेप तो दिखाई दे रहा है, शेप तो सेम दिखाई दे रहा है, बट सेम साइज नहीं है। अगर यहीं पे मैं फिगर बना दूं, एक लाइन ऐसे खींच दूं और एक लाइन यहीं बगल में खींच दूं, इनका डिस्टेंस दे दूं 5.2 सेंटीमीटर और इसका भी लेंथ दे दूं 5.2 सेंटीमीटर, अब मैं आपसे कहूं क्या ए बी लाइन और पी क्यू लाइन कॉन्ग्रुएंट है? क्या क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो आप कहोगे यस भैया, ए बी लाइन इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू लाइन। प्यारे बच्चों, ये सिंबल है, ये सिंबल किस चीज का है? ये सिंबल आपका कॉन्ग्रुएंसी शो कराने का है। अगर दो फिगर, दो लाइन, दो ट्रायंगल, दो सर्कल का आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, जैसे इक्वल टू का साइन यूज किया जाता है दो चीजों को बराबर दिखाने के लिए, जैसे प्लस का साइन यूज किया जाता है दो चीजों को जोड़ने के लिए, जैसे माइनस का साइन यूज किया जाता है दो चीजों को घटाने के लिए, ऐसे ही कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है दो, ये दो लाइन ऐसे खींच देते हैं, ऊपर एक कर्व लाइन ऐसे खींच देते हैं, ठीक है। ये क्या शो करती है? ये शो करती है कि दो आपस में चीजें एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों? आराम से कॉन्सेप्ट को समझना, सब कुछ समझ में आएगा। कोई डाउट आए तो भैया तुम्हारे पास है। चलो तो प्यारे बच्चों, ये तो बात हो गई कॉन्ग्रुएंट लाइंस की, लेकिन हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। देखो डेफिनेशन वगैरह आपको चीजें किताबों में मिल जाएंगी, किताबें आपके पास है, आप यहां आए हो चीजों को समझने के लिए, तो समझो ना। देखो जैसे मैं कह दूं तुमसे, दो ट्रायंगल है, एक तो है ए, एक तो है बी, एक तो है सी, दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर। अगर ये दोनों ट्रायंगल सेम साइज, शेप तो सेम हमें दिखाई दे रहा है कि भाई दोनों ट्रायंगल हैं, शेप तो सेम है, अगर सेम साइज भी हो जाए, सेम शेप भी हो जाए, तो हम कह देंगे कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक, क्लियर है। अब एक चीज और सीखो यहां पर, क्या सीखे भैया? जब भी आप नेमिंग करोगे, अगर आपने नेमिंग किया ए के बाद बी लिखा है, बी के बाद सी लिखा है, फिर सी के बाद ए लिखा है, तो यहां पे भी वही करोगे, पी के बाद क्यू लिखोगे, क्यू के बाद आर लिखोगे, आर के बाद पी लिखोगे, यही नहीं कि यहां लिख दिए क्यू आर पी और यहां लिख रहे हो ए बी सी, ताकि आपको पढ़ने समझने चीजों को रिप्रेजेंट करने में कोई दिक्कत ना आए। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? बढ़िया से। अच्छा भैया, क्या हम फिगर देख के तुरंत बता देंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट है? बिल्कुल नहीं। आपके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं कि अगर ये प्रॉपर्टी आपको मिल जाती है तो आप उन दोनों फिगर्स को कॉन्ग्रुएंट बोल दीजिएगा। तो टोटल पांच प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है। कौन कौन सी? पहला आपको पढ़ना है ट्रिपल एस, दूसरा आपको पढ़ना है एस ए एस, तीसरा आपको पढ़ना है ए एस ए, चौथा आपको पढ़ना है ए ए एस, और पांचवा आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है? पांचवा आपको पढ़ना है आर एच एस। क्लियर है ये चीज? क्या प्यारे बच्चों तुम्हें क्लियर है? बता दो अगर क्लियर है तो आगे बढ़े। ये पांच नाम तुम्हें याद रखने हैं, यही पांच नाम बताते हैं, अगर आप पांच में से कोई एक भी प्रूव कर देते हो तो वो कहलाता है कि यस द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। एक एक करके पांचों को सीखेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों? चल, पहला पॉइंट क्या कहता है? पहला कहता है कि ट्रिपल एस मतलब साइड साइड साइड। अगर किसी दो ट्रायंगल में, अगर ये ट्रायंगल है मेरा ए, प्यारे बच्चों ये सारी चीजें तुम्हें एनसीईआरटी में मिल जाएंगी, सारी चीजें प्रूव्ड है वहां पर, आपको यहां पे समझना है क्योंकि आप एनटीएससी की यहां तैयारी कर रहे हो, ठीक है? पी क्यू आर, प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन और ये थ्योरम क्या कह रहा है? थ्योरम नंबर वन आपका कह रहा है कि अगर ए बी साइड की लेंथ पी क्यू साइड के बराबर है, क्लियर है, बी सी साइड की लेंथ क्यू आर साइड के बराबर है, और ए सी साइड की लेंथ
पीआर साइड के बराबर है, अगर इतना भी है तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर। प्यारे बच्चों एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि जब भी दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे वो एक दूसरे को सुपर इम्पोज करेंगे। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, सपोज ये मेरे पास ये एलन की मॉड्यूल है, ठीक है, ये बुक है, ठीक है, ये दोनों आपको फिगर, ये दोनों बुक्स आपको दिखाई दे रही हैं, अच्छे से दिखाई दे रही हैं। अगर ये दोनों फिगर देख रहे हो, सुपर इम्पोज का मतलब होता है एक के ऊपर एक रखने के बाद कोई भी जगह ना छूटे, तो ये देख रहे हो लगभग सुपर इम्पोज कर रही है, हालांकि थोड़ा सा फिगर डिफरेंट है बट ये सुपर इम्पोज कर रही है। सुपर इम्पोज का मतलब है कि अगर आप इस ट्रायंगल को उठा के इस ट्रायंगल के ऊपर रख दो तो आपको ये पूरा भी नीचे वाला ट्रायंगल पूरी तरह से ढक जाए, वही शो करती है कॉन्ग्रुएंसी। क्लियर है, डन है, भाषा समझ में आई, चीजें समझ में आई कि ट्रिपल एस कैसे प्रूव करता है। ट्रिपल एस का मतलब साइड, करेस्पॉन्डिंग साइड अगर इक्वल है तो वो ट्रायंगल दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। प्यारे बच्चों एक यहाँ पे चीज आती है, क्या आती है चीज, ये आती है एक टर्म होता है सीपीसीटी, आप अपनी किताबों में अभी देखोगे सीपीसीटी का मतलब होता है करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। प्यारे बच्चों अगर आपने दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो उसके बाद आप ये इसका यूज कर सकते हो सीपीसीटी। जैसे किस लिए यूज कर सकते हैं भैया, कैसे यूज कर सकते हैं, देखो आप यहां से अब कह सकते हो कि ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर है, हालांकि ये प्रूव्ड था, लेकिन आप इससे क्या क्या चीजें निकाल सकते हो मैं बता रहा हूं। ये जो बी सी है वो क्यू आर के बराबर है, अभी बहुत सारी चीजें तुम्हें सिखानी है, और ये जो ए सी है वो पी आर के बराबर है। क्या भैया सीपीसीटी से बस इतना ही प्रूव करेंगे ना, आप ऐसे प्रूव कर सकते हो कि एंगल ए करेस्पॉन्डिंग इस ट्रायंगल में सेम करेस्पॉन्डिंग कहाँ होगा, यहाँ होगा, तो एंगल बी ए सी इक्वल टू क्या होगा, एंगल क्यू पी आर, ये जो बीच में आता है वही एंगल दर्शाता है। प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को सीखना, अब ध्यान दो क्या ध्यान दे भैया, एंगल ए बी सी इक्वल टू होगा एंगल पी क्यू आर। बस तुमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो तुम बहुत सारी चीजें निकाल सकते हो, ये कंक्लूजन है, सीपीसीटी एक कंक्लूजन है, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब सी का करेस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब संगत कोण कौन सा होगा, सी का होगा आर वाला, ये वाला, तो हम यहां से कह सकते हैं एंगल पी या फिर ए सी बी इक्वल टू पी आर क्यू, जिस तरह से नेमिंग इसकी करोगे सेम तरीके से नेमिंग इसकी भी करोगे। प्यारे बच्चों ये जो नाम लिखा हुआ है ना इसका बहुत मैटर करता है, अगर मैं देखो अगर मैं इसी ट्रायंगल को लिख दूं ट्रायंगल ए बी सी इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्यू आर पी, तो अब सारी चीजें पलट गई, सारी चीजें बदल जाएंगी, क्या बदल जाएंगी भैया, अब यहाँ पे होगा ए बी जो होगा वो क्यू आर के बराबर होगा, जैसा लेटर यहां से उठाओगे वैसा ही लेटर फॉर्म पेयर यहां से उठाना होगा, अगर बी सी उठाओगे तो यहां आर पी उठाना होगा। क्लियर है, इसी तरह अगर यहां ए सी उठाते हो सॉरी तो यहां पी क्यू उठाना पड़ेगा, ए सी उठाते हो तो यहां पी क्यू उठाना पड़ेगा, एंगल ए की बात करोगे तो वो एंगल क्यू के बराबर होगा, एंगल बी की बात करोगे तो एंगल आर के बराबर होगा, एंगल सी की बात करोगे तो एंगल पी के बराबर होगा। कंफ्यूज हुए होगे तो मैं फ्यूज करूंगा अभी आगे। क्लियर है, चिंता मत करना, एक एक चीज समझ में आएगी। देखो अभी धीरे धीरे हमने कहा है ना कि मेरी क्लास को अगर तुम पूरा देख लोगे तो मैं सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। डन है, क्लियर हुआ, पहला समझ में आया, कुछ चीजें समझाई वो चीजें समझ में आई, बार बार समझाऊंगा, बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है। चल तो ट्रिपल एस समझ में आया कि अगर तीन साइड मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। अब दूसरा मैं तुम्हें समझाता हूं, दूसरा क्या है भैया, दूसरा है ए एस ए। ए एस ए का मतलब होता है एंगल साइड एंगल। क्लियर है क्या, एंगल साइड एंगल,
एंगल साइड एंगल क्या कहता है कि अगर आपके पास दो ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी और एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, तो अब यहाँ पे क्या होगा, अगर दो एंगल और उनके बीच की साइड, अगर ये एंगल है इस एंगल की इक्वल दिया हुआ है, ये एंगल एंगल बी इस एंगल के, और ये इन दोनों एंगल के साथ जो साइड है ये वाली साइड, अब ये दोनों साइड की बात नहीं हो रही यहाँ, इन दोनों एंगल के साथ जो ये वाली साइड है, इट मीन्स अगर आपको दिया हुआ है एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है ए बी इक्वल टू पी क्यू, तो आप कह सकते हो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर। क्लियर है, इसको नोट करो। क्लियर है प्यारे बच्चों, तो इसको नोट करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। बात यहाँ पे ये समझनी थी कि एंगल साइड एंगल में जो दोनों एंगल के साथ साइड रहेगी उसी को हमेशा पकड़ना होगा आपको, ठीक है। तो अगर आपको ये भी मिल जाता है तो आप दो ट्रायंगल्स को क्या कह सकते हो, मजा आया। अरे भाई मजा आया तो एक बार सारे बच्चे लाइक का बटन दबाएंगे, जितने भी बच्चे देख रहे थे, क्योंकि तुम लोग भूल जाते हो, तुम लोग अटेंडेंस नहीं लगाते हो। अब रजिस्टर बना दूं क्या, संचित आया है, हृदयांश आया है, निल्यांश आया है, अच्छा हृदयांश अब आता ही नहीं है ना, छोड़ दिया क्या वो पढ़ाई, कहाँ गया वो। चलो फन टाइम आई है, निशा आई है, अनु आई है, आराध्या आई है, ठीक है, प्रणय आया है, निशांत आया है, निल्यांश आया है। चलो क्लियर है प्यारे बच्चों, तो सीपीसीटी आप ऊपर वाले में भी निकाल सकते थे, यहाँ के भी अगर सीपीसीटी निकालना चाहोगे तो सीपीसीटी से आप जानते हो क्या कह सकते हो, एंगल सी जो होगा वो एंगल आर के बराबर होगा, बी सी जो होगा वो क्यू आर के बराबर होगा, ए सी जो होगा वो पी आर के बराबर होगा, किससे, बाई सीपीसीटी। क्लियर है, ये आप कंक्लूजन सीपीसीटी से निकाल सकते हो, ठीक, क्लियर। चल तीसरा मैं आपको पढ़ाता हूं एस ए एस। एस ए एस क्या है भैया, साइड एंगल, साइड साइड एंगल साइड। प्यारे बच्चों इस चीज को समझिए कैसे, समझेंगे ऐसे, दो ट्रायंगल बनाएंगे, एक ट्रायंगल होगा हमारा ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल होगा, ये एक लड़का बार बार क्यों फोन कर रहा है यार, पी क्यू, पी क्यू आर। क्लियर है, ट्रायंगल ए बी सी किसके बराबर होगा, ट्रायंगल पी क्यू आर का, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, यहाँ पे लिखा रहेगा ए बी अगर पी क्यू के बराबर है, बी सी अगर क्यू आर के बराबर है, और इन दोनों से बनती हुई एंगल, इन दोनों साइड से लगी हुई ये एंगल, ये एंगल अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं तो हम लोग कह सकते हैं, मतलब क्या लिख लेता हूँ मैं, अगर ए बी इक्वल टू पी क्यू है, चूंकि If and BC equal to QR है और angle B equal to angle Q है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, इसलिए so that triangle ABC congruent होगा triangle PQR। आज की क्लास बहुत सीरियस है, बहुत अच्छे से ये सब सारी चीज़ें समझ लेना, नहीं तो जब सिमिलर ट्रायंगल पढ़ाऊंगा वहाँ पे तुम लोग कन्फ्यूज हो जाओगे और सवाल क्लास टेंथ के मैथमेटिक्स से तुम्हारे क्लास में आने वाला है, तुम्हारे एग्जाम में आने वाला है, टेंथ के मैथमेटिक्स, सॉरी टेंथ के ट्रायंगल से। क्लियर है, क्योंकि आज मैंने पीवाईक्यू चेक किया, नाइन्थ के ट्रायंगल से बहुत रेयर क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन टेंथ वाले से आएगा, लेकिन ये बेस है, अगर ये नहीं समझ में आएगा तो वो नहीं समझ में आएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। क्लियर है, तो यहाँ भी आप बाई सीपीसीटी बहुत सारे कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, रिक्वायरमेंट अगर आपकी आती है कि सी को आर के बराबर दिखाना है तो बाई सीपीसीटी लिख देना, ए को आपको पी के बराबर दिखाना है तो बाई सीपीसीटी लिख देना। क्लियर है, बस अगर आपको ए सी को पी आर के बराबर दिखाना है तो बाई सीपीसीटी लिख के काम कर सकते हैं, डन है। क्लियर है प्यारे बच्चों, अगर क्लियर है, अगर क्लियर है तो एक और कर लेते हैं, कौन सा बच रहा है, बच रहा है हमारा डबल ए एस। ये डबल ए एस क्या है भैया, आपने ए एस से तो बताया था हमें, फिर ये तो बस आपने ए को घुमा दिया, मैटर है यहाँ, मैटर क्या है, चलो समझो, एंगल एंगल साइड। ये एंगल एंगल साइड क्या कहता है, ये एंगल एंगल साइड तो तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम ट्रायंगल बनाओगे, ट्रायंगल ए बी सी, एक और ट्रायंगल बना लो दोस्त,
PQR। अरे भाई क्लियरली विजिबल है कि नहीं है, चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? बिल्कुल आ रही हैं भैया। अगर ये कहता है कि एंगल ए जो है वो एंगल पी के बराबर है, एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर है, अब प्यारे बच्चों क्या ए बी और पी क्यू को बराबर दिखाना है? प्यारे बच्चों ये बात हमने की थी ए एस ए में कि अगर ये एंगल और ये एंगल आप ले रहे हैं तो इन दोनों के बीच में जो साइड होगी उसी को आपको पकड़ना पड़ेगा। लेकिन ये कहता है कि आपके पास अगर बाहर वाली भी कोई साइड है, इन दोनों के एंगल से ना लगती हुई भी, इन दोनों के बीच में ना होते हुए भी, वो भी आप अगर आपको बराबर मिल जाए तो आप कह सकते हो डबल ए एस से कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। क्या कह सकते हो? ये दोनों ट्रायंगल अगर आपको दिया है एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल और बी सी इक्वल टू क्यू आर, या फिर इसकी जगह अगर आपको ये भी दिया होता ए सी इक्वल टू पी आर, उसका भी मतलब वही होता, तो हम कह देते कि ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल क्यू पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट होगा ड्यू टू ए ए एस, ड्यू टू ए ए एस। अरे भाई ये चारों समझ में आया? भाई किसी को कोई दिक्कत हो बताओ, मजा आ रहा है? ये प्रूफ रूप वाला यहां दिक्कत नहीं आएगा, ये एनटीएससी तुम्हें इतना परेशान नहीं करने वाला है, बोर्ड वाले परेशान करते हैं, जो एनसीईआरटी में जितने प्रूफ वाले क्वेश्चन दिए वो टफ नहीं होते हैं, दैट्स नॉट टफ। अगर आपको प्रॉपर्टीज अच्छे से याद है, उनका यूज करना आपको आता है, आपका काम हो जाएगा, बहुत आसान होते हैं, बहुत आसान होते हैं, आपका विजुअलाइजेशन पावर तगड़ा होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है? तो चार याद हो गए, ट्रिपल एस, ए एस ए, एस ए एस, ए ए एस, ठीक है, चार बताया हूं, और पांच ही होते हैं, छठा नहीं होता है कोई, ठीक है, चलो छठा, अरे पांचवा आपका है आर एच एस, क्या है? तो ये कहता है आपसे राइट हाइपोटेनस साइड, राइट एंगल्ड हाइपोटेनस साइड होता है, राइट एंगल्ड हाइपोटेनस साइड, मतलब ये क्या कहता है कि अगर आपके पास दो ट्रायंगल हैं और ये दोनों ट्रायंगल में दोनों के पास एक एक एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, मतलब दोनों ट्रायंगल क्या होने चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल होने चाहिए, साथ ही साथ इन दोनों में आपका कोई एक साइड, एक साइड, ठीक है, हाइपोटेनस नहीं, हाइपोटेनस के भी बात बताऊंगा, कोई एक साइड अगर बेस को ले रहे हो, इसको ले रहे हो तो ये, और हाइपोटेनस बराबर है, इट मीन्स इन ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर, अगर आपके पास दिया हुआ है एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, साथ ही साथ बी सी इक्वल टू क्यू आर, ठीक है, या तो ये बेस हो या तो ये परपेंडिकुलर हो, साथ ही साथ अगर आपके पास हाइपोटेनस बराबर है तो आप बाई आर एच एस ये कह सकते हो, हाइपोटेनस तो यहां से लिख सकते हो बाई आर एच एस क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट, चल जा भाई, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर, क्लियर है क्या? अरे भाई समझ में आया? किसी को कोई डाउट? अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, मिलेगा वक्त, ठीक है। तो यहाँ पे भी बाई सीपीसीटी आप बहुत सारे कंक्लूजन निकाल सकते हो, जो कंक्लूजन आपको रिक्वायर्ड हो, इट मीन्स अगर आप चाहते हो एंगल ए को एंगल पी के बराबर दिखाना, दिखा सकते हो, एंगल सी को आप एंगल आर के बराबर दिखाना चाहते हो, दिखा सकते हो, साइड ए बी को पी क्यू के बराबर दिखाना चाहते हो, दिखा सकते हो, लेकिन हर बार आपको लिखना पड़ेगा कि हम ये सब सारी चीजें कैसे कर रहे हैं, बाई सीपीसीटी। मेजर कॉन्सेप्ट आपने कॉन्ग्रुएंसी का खत्म कर लिया, ठीक, कर लिया, चल बहुत बढ़िया। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूं आइसोसेलस ट्रायंगल के बारे में कुछ बातें। क्या बताने वाला हूं? आइसोसेलस, स्पेलिंग देख लेना तुम लोग, ट्रायंगल के बारे में कुछ बातें। आइसोसेलस ट्रायंगल में आपको पता होगा कि दो साइड और इन दोनों के अपोजिट एंगल जो होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक। तो आइसोसेलस ट्रायंगल में अगर आपको अगर आपको पहली चीज दे दी जाए इफ टू साइड्स ऑफ आइसो
लिखो, ऐसे लिखता हूँ, इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल देन एंगल अपोजिट टू दीज साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। ध्यान से इसको समझेंगे, इसको मैं आपको प्रूव करके बताने वाला। प्यारे बच्चों, जैसा कि ये कह रहा है क्वेश्चन कि आपके पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल कलर चेंज कर लेता हूं, अच्छा ज्यादा जल्दी जल्दी तो नहीं हो रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। अच्छा, ए बी सी है, इसमें कह दिया कि ए बी जो है वो ए सी के बराबर है। आपको क्या दिया गया है, गिवेन ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी। आपको प्रूव करना है कि एंगल बी जो है वो एंगल सी के बराबर है। टू प्रूव, चलो आज तुम लोगों को बोर्ड वाला भी लेक्चर पढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा प्रूव करना सिखाता हूँ। प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे क्या करेंगे, खुद से एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर वो लाइन होती है जो किसी भी एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये भी 30 होनी चाहिए, अगर ये 40 है तो ये भी 40। तो व्हाट वी हैव डन हियर, वी हैव कंस्ट्रक्शन, इसे बोर्ड में लिखा जाता है, वी ड्रॉ ए लाइन दैट इज एंगल बाइसेक्टर दैट इज ए डी विच डिवाइड द एंगल ए इन टू इक्वल पार्ट्स एज एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी। क्लियर है? अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है एंगल बी और एंगल सी। तो अगर मैं, प्यारे बच्चों, अगर आपसे यहाँ कहता हूँ कि दो ट्रायंगल की बात करते हैं, अब हमें दो ट्रायंगल दिख रहा है, एंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। क्लियर है? अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा दें तो हमारा काम हो सकता है। कॉन्ग्रुएंट प्रूव कराने के लिए करा सकते हैं क्या, क्योंकि भैया ए बी जो होगा वो ए सी के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा तो हमें दिया ही गया है, गिवन है। अगर इसी तरह आप देख सकते हो ए डी जो लाइन है इन दोनों में कॉमन है, इट मीन्स दोनों में आएगी। और प्यारे बच्चों, ये वाला एंगल तो एंगल बाइसेक्टर है ना, ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये दोनों एंगल इक्वल है ना। बिल्कुल भैया, तो एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी, ये है बाई एंगल बाइसेक्टर। तो प्यारे बच्चों, बाई कौन से थ्योरम, कहोगे भैया बाई एस ए एस, एस एस से नहीं पढ़ा है आपने, आपने क्या पढ़ा है, एस ए एस। मतलब अगर ये साइड है, ये साइड है तो इन दोनों के बीच का एंगल, अगर ये साइड है, ये साइड है तो इन दोनों के बीच का एंगल। तो बाई एस ए एस प्रॉपर्टी यू कैन से दैट ट्रायंगल ए बी डी इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी बाई एस ए एस। ठीक है प्यारे बच्चों, ये चीज क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है। अब हमें क्या प्रूव करना था, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो एंगल बी बीच में आ रहा है, एंगल सी बीच में आ रहा है, तो यहाँ लिख सकते हो आप एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी बाई सी पी सी टी। प्यारे बच्चों, आपको एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन दिए गए हैं सारे करने हैं, और प्रूव आपको ऐसे ही करना होता है। क्लियर है क्या? अरे भाई क्लियर है, प्रूव करने का तरीका समझ में आया कैसे प्रूव किया जाता है? बिल्कुल भैया। तो एक चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि अगर किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर दो साइड्स उसके बराबर हैं तो उनके दोनों एंगल अपोजिट वाले भी बराबर होंगे। इट मीन्स अगर ये ट्रायंगल है, ये दोनों साइड्स बराबर है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। ये एंगल और ये एंगल नहीं होगा कभी भी, एंगल ये इसके अपोजिट वाला और इसके अपोजिट वाला, याद रखिएगा, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अगर ये साइड बराबर है तो ये एंगल और ये एंगल, अगर मैं तुमसे कह दूं ये साइड बराबर है तो ये एंगल और ये एंगल। क्लियर? डन। अच्छा भैया, अगर हमें साइड दिया था तो हमने एंगल प्रूव कर दिया। सेम काम आप होमवर्क करोगे क्या? मैं होमवर्क दूंगा, होमवर्क ये है टू प्रूव इफ एंगल्स ऑफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल देन प्रूव साइड अपोजिट टू द एंगल
लिख लो साइड अपोजिट टू द एंगल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। ये सारे बच्चे प्रूफ करेंगे और टेलीग्राम ग्रुप में अपना फोटो भेजेंगे, ठीक है? सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे यस भैया आई हैव प्रूव्ड एंड आई हैव सेंड यू ऑन टेलीग्राम, ठीक है? टेलीग्राम ग्रुप में ये क्वेश्चन मैं लिख के भी भेज दूंगा, उसका रिप्लाई सारे बच्चे करेंगे, तभी मुझे समझ में आएगा कि हाँ तुम लोगों को प्रूव करना भी आ गया है। क्लियर है? मजा आया? अभी छोड़ूंगा थोड़ी, अभी सवाल करवाऊंगा तब छोड़ूंगा, ठीक है? प्यारे बच्चों आज का कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज करते हैं। हमने सीखा क्या? हमने दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना सीखा, ठीक है? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमारे पास पांच तरीके हैं। पहला तरीका, अगर तीनों साइड दोनों ट्रायंगल्स के बराबर हो जाए। दूसरा तरीका, एक एंगल और उनके बीच की एक साइड, ठीक है? एंगल एंगल और उनके बीच की साइड सेम उसी दूसरे वाले ट्रायंगल में अगर बराबर है तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। तीसरा तरीका एस ए एस। एस ए एस क्या कहता है? एक साइड उसके बीच का एंगल। एस ए एस क्या कहता है? एक साइड उन दोनों के बीच का एंगल। अगर दोनों ट्रायंगल में बराबर है तो वो एस ए एस से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। चौथा तरीका हमने क्या पढ़ा? चौथा तरीका हमने पढ़ा है ए ए एस। क्या पढ़ा है? ए ए एस। ए एस कहता है अगर एक एंगल दूसरा एंगल और जो दोनों साइड बची है अगर उनको भी आप उठा के लेके आते हो तब भी हमारा काम हो जाएगा, और दोनों ट्रायंगल में ऐसा होता है तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट का साइन बनाना आपको आ गया होगा बढ़िया से। दो लाइन खींचनी है, एक ऊपर ऐसे टेढ़ी मेढ़ी लाइन बना देनी है, ठीक है? क्लियर है? डन। पांचवा हमने क्या पढ़ा? आर एच एस, राइट एंगल्ड हाइपोटेनस साइड। आर एच एस क्या कहता है? अगर दो ट्रायंगल में आपको एक एक एंगल 90 डिग्री मिल जाए, साथ ही साथ हाइपोटेनस बराबर मिल जाए और तीसरा कोई एक साइड बराबर हो जाए, ठीक, तब हम उस ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल को क्या कहेंगे? कहेंगे भैया कॉन्ग्रुएंट। साथ ही साथ आप सीपी सीटी का यूज कर सकते हो, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, टू प्रूव एनी एंगल टू एनी एंगल, टू प्रूव एनी साइड टू एनी साइड। करेस्पॉन्डिंग याद रखना, करेस्पॉन्डिंग, उसमें गलती मत करना। डन। अभी सवालों में तुम्हारी सारी चीजें चेक की जाएंगी, तो डन। चलिए तो प्यारे बच्चों अब आपके सामने सवाल है, ये पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, फटाफट इसका आंसर दीजिए। 10 सेकेंड आंसर आ रहे होंगे मैं उम्मीद करता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ द ट्रायंगल। पहला मैंने आपको क्या पढ़ाया था? ट्रिपल एस, फिर एस ए एस, फिर ए एस ए। तो इसमें कौन सा है? आपको नहीं पढ़ाया है। कहोगे भैया हमने कहीं पर एस एस ए नहीं पढ़ा है, हमने कहीं एस एस ए नहीं पढ़ा है और एस एस ए होता भी नहीं है, ठीक है? क्लियर। चलो दूसरा क्वेश्चन, इफ ए बी इक्वल टू क्यू आर, बी सी इक्वल टू आर पी, सी ए इक्वल टू पी क्यू। ए बी इक्वल टू क्यू आर, तरीका देख लो कैसे तुरंत पकड़ा जाता है। बी सी, बी सी यहाँ लिख लो, बी सी, बी सी आ गया और ये आर पी, आर के आगे पी लिख दो। क्लियर है? आर पी, ए बी क्यू आर और सी ए, सी ए और पी क्यू, बस इसी फॉर्मेट में अगर जहां पे तुम्हें दिख जाए वो ले लो। ये ए बी सी तो है, ये ए बी सी तो है, बट यहाँ पे क्यू आर पी होता तब हमारा काम होता। ये गया, ये सी बी ए है। चलो भाई उल्टा चलते हैं, सी बी ए, सी बी ए तो इधर होना चाहिए, पी आर क्यू। क्या ये पी आर क्यू है? नहीं, काट दो। सी ए बी, सी ए बी, तो यहां पे क्या होना चाहिए? पी क्यू आर। जो फॉर्मेट ऊपर सेम फॉर्मेट नीचे, बिल्कुल सही है ये। इसको मिला लो, बी सी ए, बी सी ए, तो यहां पे होना चाहिए आर पी क्यू, आर पी क्यू, तो ये गलत है। क्लियर है क्या? समझ में आया प्यारे बच्चों? बढ़िया से समझ में आया? नेम से कैसे चेक करते हैं कॉन्ग्रुएंसी? अच्छे से समझाया, इससे अच्छा नहीं समझाया जा सकता। चल बढ़िया, क्लियर हो रहा है? किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो बताओ यार, बताओ। टेंशन नको ले रहे बाबा, कहीं को टेंशन लेता है तू लोग? हम हूं ना, कहीं कोई दिक्कत आएगी तेरे यार प्रूफ पढ़ाऊंगा, थ्योरम पढ़ा दूंगा। ये तो एनटीएससी की क्लास, एनटीएससी में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे तुम्हें। चलो प्यारे बच्चों, ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल पीक्यूआर के कॉन्ग्रुएंट है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। जल्दी से बता दो, अब इसमें देरी मत करो,
अब तो सीपीसीटी भी पढ़ा दिया है। देखो पहला आप चेक करोगे ये बीसी लिखा हुआ है, तो बीसी जो होना चाहिए वो क्यूआर के ही बराबर होना चाहिए और बाकी कुछ नहीं, तो पहला ही गलत है, इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज यहाँ पर टिक करेंगे। एसी जो है पीआर के बराबर है, एसी पीआर होना चाहिए बिल्कुल सही है, बीसी क्यूआर होना चाहिए तो बिल्कुल भैया बीसी क्यूआर होना चाहिए, ए बी ये है, ए बी ये है तो ये पीक्यू के बराबर होना चाहिए बिल्कुल है, तो ये तीनों सही हैं और ये पहला ही गलत है। प्यारे बच्चों क्लियर हो रहा है कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं तुम लोग? मैं तो यही सोच रहा हूँ कि तुम्हें समझ में आ रहा होगा, अगर आ रहा है तो सारे बच्चे लाइक करेंगे जो बच्चे अभी तक नहीं किए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से इसका आंसर दे दो, पढ़ो करो, तुम लोग कर नहीं रहो पिटाई हो जाएगी। और आज 7:30 बजे तुम्हारी कौन सी क्लास है? मिरर इमेज, मजा आएगा, सब लोग आना, ठीक है? चलो प्यारे बच्चों इन ट्रायंगल एबीसी एक ट्रायंगल बना लो, ए बी सी, यहां पे कह रहा है कि ए बी जो है वो एसी के बराबर है, ये दोनों ए बी एसी के बराबर है। अब जैसे ही ये दोनों कहा, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा, क्लियर है? ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसको हमने प्रूव भी किया है। एंगल बी जो है वो 50 डिग्री है, एंगल बी जो है वो 50 डिग्री है, तो एंगल ए कितना होगा? क्योंकि भैया अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा, तो ये दोनों मिला के 100 बना दिए तो ये 80 होगा। आसान सवाल, क्लियर है क्या? बढ़िया, समझ में आया, कहीं कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चलो ये लगा दो, सेम प्रोसेस, इन ट्रायंगल ए बी सी बी सी इक्वल टू ए बी, ए बी सी बी सी इक्वल टू ए बी, ये साइड और ये साइड, जैसे ही दोनों साइड कही तो इसके अपोजिट कौन सा एंगल बन रहा है? ये वाला, तो ये एंगल, और इसके अपोजिट कौन सा एंगल बन रहा है? ये वाला, तो ये एंगल, ये दोनों एंगल ही बराबर होंगे, इसमें कंफ्यूजन मत रखना तुम लोग, जो साइड उसके अपोजिट वाले जो दोनों एंगल्स हैं वही दोनों बराबर होंगे, क्लियर? तो यहाँ पे कह रहा है कि एंगल बी जो है वो 80 डिग्री है, तो हमें बता दो एंगल ए कितना होगा। प्यारे बच्चों मान लेते हैं कि ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, मतलब एक्स प्लस 80 किसके बराबर होगा? कहोगे भैया 180 के, तो 2x किसके बराबर होगा? कहोगे भैया 100 के, तो x किसके बराबर होगा? कहोगे भैया 50 के। आसान सवाल था प्यारे बच्चों, आसान सवाल था, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 लगा दीजिए प्यारे बच्चों, जल्दी से आंसर इसका बताइए, बिल्कुल देरी मत करिए, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, ऐसे ही सवाल आपके टर्म फर्स्ट के एमसीक्यू में भी पूछे जाएंगे, अब तो आपको प्रूव करने के लिए डरना नहीं है। चलो प्यारे बच्चों ट्रायंगल एबीसी में एंगल सी और एंगल ए इक्वल है, ट्रायंगल एबीसी में एंगल सी और एंगल ए इक्वल है। प्यारे बच्चों मैंने आपको क्या बताया है? बताया है कि इसके सामने की साइड और ये इसके सामने की साइड, अब ये दोनों इक्वल होंगे आपस में, क्लियर है? ए बी इक्वल टू बी सी होगा बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है? अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इस पे चलते हैं। ए बी इक्वल टू ए सी कह रहा है और यहाँ पे कह रहा है बी सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ए सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है। अब हमसे पूछ रहा है कि ए बी कितना होगा, ए बी कितना होगा? तो कहोगे भैया अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, बस आसान सवाल, बढ़िया। अच्छा चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी से लगाओ, 10 सेकेंड। टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल कैन नॉट बी। कल की क्लास याद करो, कल की क्लास जिसने की होगी वो क्वेश्चन का आंसर बता चुका होगा। जल्दी से आंसर बता दो प्यारे प्यारे बच्चों, आपको कल मैंने बताया है कि दो साइड का लेंथ हमेशा तीसरी साइड से ज्यादा होना चाहिए, यही बताया ना?
बिल्कुल यही बताया है, हमेशा ए प्लस बी किससे ज्यादा होना चाहिए, सी से ज्यादा होना चाहिए। सही तो है, तुम लोग मुझको कंफ्यूज कर देते हो। 4 + 2.5 जो हो वो हमेशा ज्यादा होना चाहिए सी से, मतलब सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 6.5 से कम होनी चाहिए। मतलब 6 एक्सेप्टेबल है, 5.5 एक्सेप्टेबल है, 6.3 भी एक्सेप्टेबल है, बट 6.5 एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर यहीं पे 6.49 भी लिख देता हम एक्सेप्ट कर लेते, अगर यहीं पे 6.499 भी लिख देता हम एक्सेप्ट कर लेते, बट वी विल नॉट एक्सेप्ट 6.5 क्योंकि हमें 6.5 से कम चाहिए। बढ़िया, मजा आया। तो भाई क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बता दो, ये तो कल पढ़ाया है तुम लोगों को, अब मुझे तो आराम करना है। मैंने तुम्हें सब कुछ सिखा दिया है, अब तुम्हें अपना काम करना है, मुझे आराम करना है, मैं तो कल पढ़ाऊंगा बढ़िया इसके आगे। प्यारे प्यारे बच्चों, कहोगे भैया अगर एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी, जिसमें कह रहा है कि एंगल सी जो है वो एंगल बी से बड़ा है, ये वाला एंगल इस एंगल से बड़ा है, तो आप क्या यहां से निकाल सकते हो? आप जानते हो अगर ये एंगल बड़ा है तो मतलब ये वाली साइड भी बड़ी होगी, इसके अपोजिट वाली, मतलब ए बी जो होगा वो ग्रेटर होगा किससे, इसके अपोजिट वाली साइड से, ए सी से। यही कंक्लूजन आप निकाल सकते हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, दैट इज बढ़िया क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि यहां पे आपने कॉन्सेप्ट यूज किया, मजा आया, मजा आया तो ठोको भाई लाइक। चलो क्वेश्चन नंबर 9। अरे भाई समझ लो, तुम लोगों के लिए मैं कॉन्ग्रुएंसी पर क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रूव करने वाले होते हैं, बट एनटीएससी में थोड़ी प्रूव करोगे बैठ के, वहां पे आपके पास कॉन्सेप्ट कितना, आपको थ्योरम याद है, कितना आपको पता है, उसका यूज करोगे। चल, इन द गिवन फिगर गिवन दैट ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एफडीई, अब ध्यान देना मैं कैसे काम करता हूँ। अगर ये ट्रायंगल है ए बी सी और ट्रायंगल एफ डी ई, अब ध्यान देना मैंने ए ऊपर लिखा है तो मैं एफ ऊपर लिखूंगा, डी यहाँ लिखूंगा, ई यहाँ लिखूंगा। अगर मैं यहाँ क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज चला हूँ तो यहाँ पे भी एंटी क्लॉक वाइज चलूंगा, अगर मैंने शुरुआत यहाँ ऊपर से की है तो यहाँ भी ऊपर से करूंगा, तब आपसे कोई गलती नहीं होगी। अगर इसके अलावा कोई काम करोगे गलती कर दोगे। चलो दिया हुआ है कि ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंगल बी इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल ए इक्वल टू 80 डिग्री, एफ डी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। प्यारे बच्चों इसने पहले एक बात कही है, जानते हो क्या, कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो बस भाई जब कॉन्ग्रुएंट कह ही दिए हो तुम, तो हम तो सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये 8 × 4 = 12 है तो ये कितना होगा, 60 होगा। अरे भाई ये 80 है तो ये कॉन्ग्रुएंट पार्ट इसका एंगल 80 होगा, ये कॉन्ग्रुएंट एंगल 40 होगा, ये 60 होगा, बस ये बी सी डी के बराबर होगा, ए सी एफ ई के बराबर होगा, एंगल डी 60 होगा क्या, एंगल डी 60 होगा क्या, एंगल डी 60 नहीं होगा, ये गलत है। एंगल ई 60 होगा क्या, बिल्कुल सही है, बिल्कुल एंगल ई 60 होगा। एंगल एफ 60 होगा क्या, एंगल एफ तो 80 है तो ये गलत है। एंगल डी 80 होगा क्या, ये भी नहीं गलत है, ये भी गलत है, ये 40 होगा। क्यों? क्योंकि अगर एंगल बी 40 है तो ये भी 40 है, अगर ये एंगल 80 है तो ये भी 80 है। क्लियर है, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ करेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। मजा आया भाई साहब, अगर मजा आया है ना तो मुझे तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देनी चाहिए, वो भी आप लाइक के बटन को दबा के दे सकते हैं। क्लियर, चल वो तो आप चैट बॉक्स में भी दे सकते हैं। चलो प्यारे बच्चों, इन ए ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए इक्वल टू 40 एंगल बी इक्वल टू 60, देन द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए बी सी क्या होगा, बताओ। सारी चीजें पढ़ा चुकी है मैंने, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो मैंने नहीं पढ़ाया है। आपके क्लास के कंटेंट क्वालिटी में कोई डिक्रीमेंट नहीं आई है, मैं बार बार यही बात कहूंगा, बोर्ड पे नहीं है बट चीजें यहाँ पे प्रॉपर आ रही है। देखो 15 तारीख तक बहुत ज्यादा बिजी रहने वाला है डिजिटल बोर्ड, इसलिए ये क्लासेस आपकी ऐसी आ रही है, लेकिन यार इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होती, तुम लोग अपना माइंडसेट बहुत अलग बना लेते हो। ठीक है, चलो प्यारे बच्चों, एंगल ए इक्वल टू एंगल 40 और एंगल बी। अब देखो ये ट्रायंगल, पहले मैं ए बी सी बनाऊंगा, आराम से करूंगा क्वेश्चन को, जल्दीबाजी क्यों करूंगा। ए बी सी बनाया, ए बी सी बनाया तो एंगल ए 40 डिग्री है, एंगल ए 40 डिग्री है, एंगल बी 60 डिग्री है, बिल्कुल है,
द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ एबीसी कौन सा होगा? पहले ये 40 है, ये 60 है, तो ये कितना होगा पहले मुझे बता दो, ये 80 है। अब मुझे बता दो यार लॉन्गेस्ट कौन सा होगा? अरे भाई सबसे बड़ा एंगल, उसके अपोजिट वाला साइड, कल भैया आपने बताया था, तो मतलब ए बी जो होगा वो लॉन्गेस्ट होगा। कैन नॉट डिटरमाइन भाई साहब, अपन तो सब जानते हैं, अपन ज्ञाता हैं। डन है, क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। चलो ये आखिरी क्वेश्चन नहीं, अभी एक और क्वेश्चन, अरे अभी और है। आ जाओ। एंगल क्वेश्चन नंबर 11, 15 सेकेंड क्वेश्चन करके जाना भाई, अभी तीन क्वेश्चन और है। मजा आ रहा है, सब लग रहा है ना? अरे बहुत इजी इजी सवाल लेकर आया हूँ आज, अभी एडवांस प्रॉब्लम तो बचे गए हैं, एडवांस वाले दिन मिलना सातवें दिन, तब बताऊंगा तुम लोगों को, पिटाई होगी पिटाई। चलिए पहले बच्चों, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, व्हाट इज गिवन यू? इट इज गिवन दैट ए बी इक्वल टू डी, ए बी इक्वल टू डी, बी सी इक्वल टू ई एफ, बी सी इक्वल टू ई एफ, ऐसे ही शो करोगे तब तुम्हें क्लियर रहेगा। अब ये तुमसे कह रहा है कि इन ऑर्डर दैट ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ को हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, तो कौन कौन से एंगल मस्ट प्रूव होने चाहिए? प्यारे बच्चों साइड को लेकर आपने क्या पढ़ा है? या तो आप ट्रिपल एस पढ़े हो, या तो आप एस ए एस पढ़े हो, एस एस ए नहीं पढ़े हो। इट मीन्स ये साइड और ये साइड के बीच में एंगल आएगा, मतलब ये साइड और ये साइड के बीच का एंगल, और ये साइड और ये साइड के बीच का एंगल, मतलब एंगल बी अगर एंगल ई के बराबर अगर आप दिखा देते हो तो आप कह दोगे कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी एफ की। भाई साहब जिस बंदे ने ना मेरी शुरुआत से आज की क्लास देखी होगी उसको किसी एक क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी, गारंटी। बहुत ही बढ़िया समझाया है, बहुत ही प्यार से समझाया है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 लगा दो अगर तुम्हें चीजें समझ में आ रही हैं तो। अब ये भी बढ़िया सवाल है, सेम टॉपिक सेम तरीका, लगाओ जल्दी से। मजा आ रहा है आज की क्लास में? बोरिंग नहीं लग रहा है? बोरिंग क्यों लगेगा भाई, आज तो भैया ने तुम्हारे लिए सोशल स्टडीज की भी वीडियोस बनाई दी थी एक, केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार कैसा लगा तुम लोगों को, भैया की पॉलिटिक्स कैसी थी, भैया कुछ आता जाता है कि बस केवल फर्जी बना दिए थे वीडियो, थोड़ा बताओ तुम लोगों ने देखा पूरा देखा? अच्छा बीच बीच में ऐसी पॉलिटिकल वीडियोस आती रहेगी जिससे आपके पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट भी बना रहेगा, कभी कभी हिस्ट्री की भी आएगी, कभी अब इकोनॉमिक्स की भी आएगी, ज्योग्राफी की आएगी। अब मैं इसके लिए वादा नहीं करूंगा भाई, देखो जो मैं कमिट वही चीज करूंगा जो मैं कर पाऊंगा, मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ मैं कोशिश करूंगा, ठीक है, एसएसटी के लिए कमिटमेंट नहीं दे सकता। ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल डीईएफ, क्लियर है? दिया हुआ है एंगल बी एंगल ई के बराबर है, और एंगल सी एंगल एफ के बराबर है, एंगल सी एंगल एफ के बराबर है। अच्छा एक बात तुम लोग से पूछूं, जल्दी से बता दो, अगर तू ये कांग्रेसी को चीज हटा दो, तुम बता दो अगर एंगल बी एंगल ई के बराबर है, एंगल सी एंगल एफ के बराबर है, एंगल ए जो है वो एंगल डी के बराबर होगा या नहीं होगा, जल्दी से मुझे बताओ, विदाउट यूजिंग द कांग्रुएंसी प्रॉपर्टीज, विदाउट यूजिंग सीपीसीटी, देख के तुम पहले ये बता दो कि एंगल ए एंगल डी के बराबर होगा या नहीं। बोलाओ, बिल्कुल होगा भैया, क्योंकि 180 डिग्री में से बी और सी को घटाओगे तो ये बचेगा, और 180 डिग्री में से ई और एफ को घटाओगे तो ये बचेगा। सपोज यहाँ कर लो, यहाँ इस चीज को समझ लो, ये 40 है, ये 40 है, ये अगर 60 है, अगर ये भी 60 होगा पक्का, तो भाई साहब ये 60-40-100, ये 60-40-100, तो ये 80 होगा, तो ये भी 80 होगा। ये कॉन्ग्रुएंसी के बिना आप वही 180 डिग्री वाले फॉर्मूले से यूज कर सकते हो इसको, ठीक है। चलो क्वेश्चन पे आते हैं अपने, इन ऑर्डर दैट ट्रायंगल ए बी सी डी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट कब होगा, वी मस्ट हैव। अब देखो सबसे आसान यही है कि बी सी जो होना चाहिए ना वो ई एफ के बराबर होना चाहिए, सबसे सही तरीका है कि आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर ली, ए एस ए की, ठीक है। आप अभी ए ए एस भी यूज कर सकते हो, पहले ए एस ए आप प्रियोरिटी दोगे क्योंकि इन दोनों एंगल के बीच की साइड, तो बी सी इक्वल टू ई एफ को तो आप टिक कर दोगे, लेकिन आप चेक करोगे इसको भी, ए बी इक्वल टू डी एफ, ये ए बी है, ये डी एफ है, ये गलत दिया हुआ है, करेस्पॉन्डिंग पार्ट नहीं दिया हुआ है, ये गलत, इसलिए ए सी इक्वल टू डी, ए सी इक्वल टू डी, ये दिया हुआ है, करेस्पॉन्डिंग पार्ट
नहीं है, इसलिए ये गलत। एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, इन ऑर्डर दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल डी। लेकिन आपको मैंने ट्रिपल ए नहीं पढ़ाया है, ये मैंने बता दिया कि ये एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा। अगर डबल ए है तो ट्रिपल ए तो अपने आप इक्वल हो जाएगा। इससे कॉन्ग्रुएंसी प्रूव आप नहीं करोगे, आप प्रूव करने के लिए यहाँ पे साइड वाला यूज करोगे, ठीक है। इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ये वाला नहीं, ठीक है। ये तो ऑटोमेटिक प्रूव्ड है, ये प्रूव्ड है, इससे आप कॉन्ग्रुएंसी नहीं प्रूव करने वाले जा रहे हो, ठीक है। चलो यहीं पे तुम लोगों को एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। कौन सा कॉन्सेप्ट था? इक्वी एंगुलर। तुम लोगों के दिमाग में, हम जान रहा हूँ ये चीज आ रहा होगा कि भैया अगर तीनों एंगल बराबर हो गए तो क्या ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगा? बिल्कुल नहीं। देखो ये 60 है, ये 50 है, ये 70 है, इसको भी मैंने कह दिया ये 60 है, ये 50 है, ये 70 है, पॉसिबल है। क्या तीनों साइड्स बराबर है? नहीं। तो ट्रिपल ए डजंट प्रूव दैट, ट्रिपल ए डजंट प्रूव दैट कि ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ट्रिपल ए क्या प्रूव करता है? कि ये दोनों ट्रायंगल इक्वी एंगुलर हैं। क्या प्रूव करता है? इक्वी एंगुलर हैं। इक्वी एंगुलर का मतलब अगर दो ट्रायंगल में करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो वो कहलाते हैं इक्वी एंगुलर। अरे भाई क्लियर हुआ? बात क्लियर हुआ? क्योंकि तुम लोग इसमें फंसे होगे, मुझे पक्का पता है यहाँ पे, ठीक है। बच्चे इतना कॉल करते हैं ना यार, छोटी छोटी डाउट्स के लिए तुम लोग कॉल करते हो, जब बड़े मेजर डाउट हो तो आओ। चलो ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका मुझे चैट में अभी नहीं चाहिए, इसका होमवर्क है ये, ठीक है। चलो तो इक्वी एंगुलर समझ में आया। एक और मैं चीज पूछता हूँ, इसका भी आप कमेंट में। अरे यार भाई, एवरी इक्वी एंगुलर ट्रायंगल इज सिमिलर ट्रायंगल, अरे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये मैंने पहला पॉइंट लिखा और ये दूसरा लिखता हूं कि एवरी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इज इक्वी एंगुलर ट्रायंगल। अब इन दोनों में कौन सा ट्रू है ये कमेंट बॉक्स में कमेंट में बताओगे आप, ठीक है। एक ये होमवर्क है और एक ये 13 वाला क्वेश्चन। रुको, देखो कॉल आ गया था। तो ये आपका एक होमवर्क है और ये आपका एक होमवर्क है, इस चीज़ को कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको पसंद आई होंगी, सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर किसी पार्ट में आपको कोई दिक्कत है, किसी कॉन्सेप्ट में अगर आपको दिक्कत है, वीडियो को फिर उसी जगह पहुँचाइए और जाकर चीज़ों को फिर से समझिए, ठीक है। और अब भी मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करिए। अभी अगर आप लोग कहोगे कि इसमें कुछ और चीज़ें भैया बढ़ा दीजिए तो वो मैं बढ़ा दूंगा, बट आप लोग टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करिए सारे बच्चे। अगर मैं आपके लिए मेहनत से चीज़ें पढ़ा रहा हूँ तो आपको भी मेहनत से तैयारी भी करनी चाहिए, सिर्फ कोरम पूरा करने के लिए तैयारी मत करो। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तभी तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारी असली पहचान क्या है, क्लियर है। अभी फ्री टेस्ट वाले, फ्री टेस्ट को आप सीरियस नहीं दे रहे होगे, बट जब तुम पेड टेस्ट दोगे ना, पैसे लगा के पेड टेस्ट दोगे तो तुम सीरियस उसके लिए तैयारी करोगे। इसलिए ये 300 रुपये ले रहा हूँ तुमसे, ताकि तुम्हारे अंदर सीरियसनेस आए इस एग्जाम के लिए, ताकि तुम्हारे दिमाग में रहे कि मैंने NTSC के लिए 300 रुपये भी खर्चे हैं, अब मुझे मेहनत करनी है, मैंने किताबें खरीदी हैं, मुझे मेहनत करनी है, ये चीज़, ठीक है। अपने पेरेंट्स से बात करो, उनसे बात करो, अगर वो नहीं समझते मुझसे बात कराओ, ठीक है। चल तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलते हैं 6:30 बजे कुणाल सर की क्लास में और 7:30 बजे मेरी फिर से रीजनिंग की क्लास में।